साल की एक बच्ची ने बहादुरी दिखाई। बच्ची को घर से उठाकर एक युवक ले जा रहा था और आरोपी की आंखों को नोचकर बच्ची वहां से भाग निकली। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया है। मानव तस्करी के एंगल से अब इस मामले की जांच होगी। आरोपी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। बागसेवनिया थाने में 17 दिन में यह दूसरी वारदात सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि बच्ची ने आरोपी की आंखों को नोचा और मौका देखकर बच्ची वहां से भाग निकली। संवाददाता सनी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनी, सुखद खबर इसे कहेंगे, क्योंकि आए दिन जिस तरह से बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, बच्ची ने सूझबूझ दिखाई, आंख नोचकर अपनी जान बचाई। जी निश्चित तौर पे शुभांगी, जिस तरह से राजधानी भोपाल में लगातार बच्चियों के साथ जो ये घटना का लगातार मामला सामने आ रहा है, ऐसी कोई मामला जो है राजधानी भोपाल के बागसेवनिया थाना इलाके से आया है, जिसे मासूम से गलत हरकत का मामला सामने आया है। बागसेवनिया में आधी रात को पाप घर में घुसकर युवक ने परिवार के साथ सो रही थी 10 साल की मासूम बच्ची जो उठाकर ले जा रहा था, तभी बच्ची की नींद खुली और चीख पड़ी। आरोपी ने उसका मुंह दबाया, बच्ची ने युवक की आंख में उंगली डाल दी। कहीं ना कहीं एक बच्ची ने जो है बहादुर बेटी ने जो एक बहादुरी का परिचय उसने दिया था, इस युवक के हाथों में बच्ची छूट गई और घर के अंदर पहुंचकर परिजनों को ये बात पूरा घटनाक्रम बताया गया। अब आरोपी जो है भाग चुका था इस मामले को लेकर, लेकिन आरोपी के खिलाफ जो है बागसेवनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिस प्रकार से आरोपी की पहचान हुई है, आरोपी किस मकसद से बच्ची को उठाकर ले जा रहा था, यह पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। आपको ये बता दें कि दरमियानी रात शुक्रवार की रात 12 बजे की घटना बताया, ये उस समय बच्ची माता पिता के साथ सो रही थी। तब आरोपी बच्ची को उठाया और उसे लेकर कुछ देर तक पहुंचा था। वहीं आरोपी ने जो है आरोपी के आंख में कुछ हाथ मार दिया था, इस वजह से बच्ची बच गई थी। कहीं ना कहीं पुलिस अब जो है मानव तस्करी के एंगल पर भी जांच कर रही है, और CDR से भी जो राज है वो भी खुल सकते हैं कि किस किस लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि 17 दिन बाद दूसरी वारदात जो है बात। बिल्कुल सनी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब इस मामले की जांच होगी, और पुलिस चूंकि लगातार इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर दूसरी ये घटना है, इससे पहले भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, पुलिस काफी एक्टिव है, और देखना होगा कि क्या इस आरोपी को पुलिस पकड़ पाती है। और उसके बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये क्या खुलासे करता है, ये बड़ी बात होगी।